हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा पाँच में हिंदी विषय का लेसन नंबर पाँच, अनोखी सूझ, यानी कि एक अजीब चीज सूझना, किसी चीज़ को अनोखी विशेष। इसमें ये कहानी है छोटी सी, इसमें किस प्रकार देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था, दोनों ही क्या करते हैं, मिलके प्रजापति के पास जाते हैं और कहते हैं कि हम आपकी संतान हैं और हमें बताया जाए कि बुद्धि और बल में हमसे कौन श्रेष्ठ है। तो इस बात को लेकर प्रजापति ने प्रसन्नता जाहिर की, वो मनी मन मुस्कुराए और किस प्रकार से उनकी परीक्षा ली और फिर उनको बताया कि वास्तव में आप में से कौन श्रेष्ठ है। तो इससे पूर्व हमने चार लेसन कर लिए हैं और उम्मीद है कि वो चारों लेसन्स आपने अपनी फेयर कॉपी के अंदर बढ़िया तरीके से कर भी लिए होंगे, नोट कर लिया होगा उनको, और इसके साथ साथ आपने उनको बढ़िया तरीके से लर्न भी किया होगा। तो आज पढ़ते हैं हम लेसन नंबर पाँच, जिसका हमने आपको थोड़ा सारांश बता दिया है। अनोखी सूझ कहानी है एक, तो पढ़ते हैं इसको। बात पुराने जमाने की है, बहुत ही पुराने समय की, बीते हुए समय की एक बात है। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। तो देवता का मतलब है ईश्वर रूपी कह सकते हैं और दानवों का मतलब है राक्षस। इन दोनों में क्या होता रहता था, युद्ध होता रहता था, यानी कि ये आपस में रोज़ाना, दिन प्रतिदिन, डेली भी कह सकते हैं, आपस में लड़ते रहते थे, आपस में लड़ते रहते थे वे। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। प्रजापति का मतलब होता है प्रजा को पालने वाला, उसका पालनहार, उसका पोषक, यानी कि इस पूरे संसार को पालने वाला, इस प्रजा का जो स्वामी है, प्रजा का जो राजा है, मालिक है, उसके पास गए। वहाँ जाकर बोले, मान्यवर, हम दोनों ही आपकी संतान हैं। तो दोनों गए, कौन गए भाई, देवता और दानव, यानी कि ईश्वर भी गए और जो राक्षस थे वो भी प्रजापति के पास पहुँचे और जाके कहा कि हे मान्यवर, हम दोनों ही आपकी संतान हैं, आपकी औलाद हैं, परंतु हमें इस बात का उत्तर चाहिए कि हम दोनों में बुद्धि में कौन बड़ा है, अकल में, मति में, यानी कि अकल के आधार पे, बुद्धि के आधार पे आप हमें ये बताओ कि हम दोनों में से बड़ा कौन है, श्रेष्ठ कौन है। तो पुराने ज़माने की बात है,
कौन किसके पास गया? देवता और दानव दोनों ही किसके पास? प्रजापति के पास, इस प्रजा के राजा के पास, स्वामी के पास पहुँचे, क्योंकि वे दोनों ही आपस में क्या करते रहते थे, लड़ाई झगड़ा करते रहते थे, लड़ते रहते थे, और दोनों ही प्रजापति के पास पहुँचे और उनसे जाके बोले कि हे मान्यवर, हे महोदय जी, हम दोनों ही यानी कि देवता और दानव आपकी संतान हैं, परंतु हमें आपको आप हमें ये बताएं कि अकल के मामले में, बुद्धि के मामले में हम में से बड़ा कौन है, या देवता हैं या दानव। तो जैसा कि ये देखो चित्र में भी दिखाई दे रहा है, प्रजापति बैठे हैं, एक तरफ देवता हैं और एक तरफ दानव है। जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, बीचों बीच प्रजापति जी बैठे हैं और बाएं हाथ की तरफ दानव बैठे यानी कि राक्षस बैठे हैं, और दाएं हाथ की तरफ देवता बैठे हैं, और इनकी देखो आपस में विचार विमर्श हो रहा है, बातचीत हो रही है। तो जब ये प्रश्न उन्होंने पूछा कि हमारे में, अकल में या बुद्धि में सर्वश्रेष्ठ कौन है, बड़ा कौन है, तो इस बात को सुनकर यानी कि उनकी बात को सुनकर प्रजापति मुस्कुराए, अर्थात वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए, मन ही मन में वो खुश हुए। कौन? प्रजापति, जो कि चित्र में दिखाई दे रहा है बीचों बीच बैठे हैं। भी मन में सोचने लगे किसे बड़ा बताऊं, और मन में गहन विचार किया और सोचा कि इन दोनों में से मैं किसको बड़ा बताऊं, श्रेष्ठ बताऊं, बुद्धि के मामले में, क्योंकि उन्हों का, देवताओं और दानवों का यही प्रश्न था कि हम दोनों में बुद्धि में श्रेष्ठ कौन है, बड़ा कौन है। तो इसी बात के लिए वो मन में सोचने लगे कि किसको बड़ा बताऊं, देवताओं को या दानवों को, यानी कि देवताओं को बड़ा बताऊं या दानवों को यानी कि राक्षसों को। देवताओं को बड़ा बताता हूं तो दानव नाराज होते हैं, दानवों को बड़ा बताता हूं तो देवता नाराज होते हैं। अब प्रजापति बहुत ही मुश्किल में पड़ गए, असमंजस की स्थिति में पड़ गए, बड़े ही सस्पेंस में पड़ गए वो, कि अगर मैंने देवताओं को बड़ा बता दिया, श्रेष्ठ बता दिया, तो इससे दानव यानी कि जो देते हैं, राक्षस हैं, वो नाराज हो जाएंगे। अगर दानवों को बड़ा बता दिया, श्रेष्ठ बता दिया बुद्धि के मामले में, तो देवता नाराज हो जाएंगे। हो सकता है तब दोनों आपस में लड़ने लगे। और इस प्रकार प्रजापति ने एक मन में अपने प्रश्न किया कि हो सकता है अगर मैंने इन दोनों में से किसी एक को श्रेष्ठ बता दिया और एक को निम्न बता दिया, तो ये दोनों आपस में क्या करने लगेंगे, लड़ने लगेंगे, क्योंकि ये लड़ तो पहले से ही रहे हैं, परंतु मेरा ऐसा करने से भी ये फिर दोबारा आपस में लड़ने लगेंगे। तो बड़ा टेढ़ा प्रश्न था, टेढ़ा प्रश्न का मतलब यानी कि यह बहुत ही कठिन प्रश्न था, यानी कि किसी को सीधे ही श्रेष्ठ बताना ये बड़ा पेचीदा प्रश्न था उनके लिए। बड़ा बताएं तो किसे बताएं? अगर इन दोनों में से बड़ा बताया भी जाए, श्रेष्ठ बताया भी जाए, तो किसको बताया जाए? कुछ सोच कर वे बोले, इसका उत्तर कल दूंगा, यानी कि
बड़ा ही टेढ़ा प्रश्न था। कुछ देर तक वो सोचते रहे, फिर उन्होंने उनसे कहा कि मैं सोच विचार करके उन्होंने कहा कि मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर कल दूंगा। आप दोनों ही कल मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हो। इसके साथ साथ प्रजापति ने क्या किया कि उनका कोई जवाब नहीं देकर उनको दूसरे दिन बुलाया और साथ साथ में भोजन के लिए भी आमंत्रित किया, भोजन के लिए भी बुलावा दिया कि आप कल आना और साथ में मैं आपको दावत दूंगा, भोजन खिलाऊंगा, यानी कहने का मतलब है। भोजन के बाद बताऊंगा कि आप दोनों में से कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है, अकलमंद है, यानी कि आप में से बुद्धिशाली कौन है, सर्वश्रेष्ठ कौन है, इस बात को मैं आपको कल बताऊंगा। तो दूसरा दिन हुआ भी और दोनों पक्ष प्रजापति के पास फिर पहुंच जाते हैं और फिर आगे किस प्रकार का विचार विमर्श होता है, किस प्रकार से उनकी परीक्षा ली जाती है, इसका वर्णन है आगे, तो पढ़ते हैं इसको। दूसरे दिन दोनों पक्ष भोजन के लिए पहुँचे। जैसा कि दावत में उनको बुलाया गया था तो दोनों पक्ष यानी कि देवता और दानव दोनों पक्ष दूसरे दिन प्रजापति के पास भोजन के लिए, दावत के लिए पहुँचे और साथ ही इस प्रश्न का उत्तर भी उन्हें प्राप्त करना था कि बुद्धि में श्रेष्ठ कौन है, क्योंकि इसीलिए वो पहले दिन प्रजापति के पास जाते हैं और प्रजापति भी बड़ी दुविधा में, बड़े सस्पेंस में हो जाते हैं कि किस प्रकार से इनको श्रेष्ठ बनाया जाए। तो फिर उन्होंने मन ही मन में एक विचार बनाया कि इनको मैं कल बुलाता हूँ और कल ही मैं इस बात का निर्णय करके बताऊंगा कि आप में श्रेष्ठ कौन है और साथ में मैं आपको भोजन भी करवाऊंगा। तो अब दूसरा दिन आ गया है। दूसरे दिन दोनों पक्ष भोजन के लिए पहुंचे और साथ ही साथ अपने प्रश्न के उत्तर के लिए भी वे प्रजापति के पास दूसरे दिन पहुंच गए। कौन? देवता और दानव। दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाया गया। दोनों यानी कि देवताओं और दानवों को प्रजापति के कहे अनुसार अलग अलग कमरों में बिठा दिया गया। वहाँ मिष्ठान से भरे थाल भिजवा दिए गए। मिष्ठान का मतलब है मिठाइयों से भरे हुए। और दोनों पक्षों को अलग अलग कमरों में बिठाया गया और दोनों के लिए मिठाइयों से भरे हुए थाल या थालियां वगैरह, बर्तन वगैरह कह सकते हैं जिसको, मिठाइयों से भरे हुए थाल वहाँ भिजवा दिए गए, यानी कि उनके कमरों में प्रजापति ने अपने सेवकों से कहा और थालियों मिठाइयों से भरी हुई उनके पास भेज दी गई।
प्रजापति दानवों के कमरे में गए और प्रजापति फिर जब उन्होंने वो मिठाई की थालियां वहां पहुंचा दी तो फिर प्रजापति खुद पहले दानवों के कमरों में, किसके कमरों में, दानवों के यानी कि राक्षसों के कमरे में गए। उन्होंने कहा आप लोग भोजन करें, यानी कि आपके पास मिठाइयां भेज दी गई हैं और भोजन भेज दिया गया है, आप इन मिठाइयों को या भोजन को ग्रहण करें अर्थात खाएं, परंतु शर्त यह है कि, और प्रजापति ने एक शर्त भी रखी। क्या शर्त रखी? कि कोहनी को बिना मोड़े भोजन करना है, यानी कि आप भोजन तो करोगे ज़रूर, भोजन मैंने आपको भेज दिया है, मिठाइयाँ भेज दी हैं, तो शर्त यकीन यह है कि कोहनी को बिना मोड़े, यानी कि कोहनी आपकी मुड़नी नहीं चाहिए और आपको भोजन करना है। और यही बात उन्होंने देवताओं से कही, और यही बात उन्होंने देवताओं से कही। कौन सी बात? यानी कि पहले वो दानवों के कमरे में गए और उनको कहा कि भोजन आपके लिए भेज दिया गया है, इस भोजन को आप ग्रहण करो, परंतु एक शर्त है कि आप जब भोजन करोगे तो आपकी कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए। और यही शर्त उन्होंने देवताओं से भी कही, भी देवताओं से भी यही कही कि आप भी, आपके कमरे में भी भोजन भेज दिया गया है, रख दिया गया है, आप भी भोजन करो, परंतु जो शर्त दानवों पे लागू होती है वही शर्त आप पे भी अर्थात देवताओं पे भी लागू होगी और आप भी बिना कोहनी मोड़े इस भोजन को करोगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, बाकी जो लेसन बचा है उसको हम आगामी ऑनलाइन क्लास के दौरान पढ़ेंगे। जितना लेसन पढ़ाया गया है इस लेसन को आप बढ़िया तरीके से घर पे दोबारा और पढ़ोगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। हैव ए नाइस डे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।